ऐसा कैसे हो सकता है वहां पर इस शस्त्र का वार बेकार चला जाए। वहां पर इस शस्त्र से बचना असंभव है डुबा डुबाई। जरूर भयंकर परी ने कोई ना कोई चाल चली है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा कौन सा सुरक्षा चक्र है भयंकर परी के चारों ओर जिसे महापरी शस्त्र भी भेद नहीं पा रहा है। कहते थे सही परी भयंकर हो रहा है सोच सोच कर बालवीर पागल। लो सोच जितना भी बालवीर पर पता नहीं चलेगा तुम्हें कुछ भी। रहा वो सोच में भी है कि हुआ कैसे है तो नहीं ये सपना। नहीं है नहीं ये सपना। अरे है सपना तो मेरा बनाने का सेवक तुझे अपना। क्या वजह हो सकती है डुबा डुबा कि मैं भयंकर परी के प्राण नहीं ले पा रहा हूँ। क्योंकि है परी भयंकर के प्राण उस चील में और नहीं पता चलेगा ये रात तुम्हें कभी। नहीं ऐसा तो नहीं कि भयंकर परी के प्राण उसके शरीर में है ही नहीं। अरे समझ गया ये बालवीर तो अब होगा क्या। मगर बिना प्राणों के भी जीवित कैसे है भयंकर परी। वही तो समझ नहीं आ रहा है। हो सकता ये भी तो क्या हो गई वो कोई गलती तुमसे महापरी शस्त्र चलाने में या फिर करते समय वार वो तुम्हारा ध्यान कहीं और। हो तुम बेवकूफ मेरे भाई पर करी तुमने बात सही। शायद तुम सही कह रहे हो डुबा डुबाई। अब मैं पूरा ध्यान लगाकर महापरी शस्त्र से भयंकर परी पे वार करूंगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। भयंकर परी तुम चाहे जितनी शातिर चाल चलो लेकिन इस बार मैं तुम्हें समाप्त किए बिना भयानक लोक से नहीं जाऊंगा। अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ भयंकर परी। अंतिम युद्ध मतलब नहीं मानने वाला ये बालवीर हार जब तक कर नहीं देता वो परी भयंकर को समाप्त। जल्द से जल्द परी भयंकर को छुटकारा पाना होगा बालवीर से वरना जान जाएगा बालवीर के है प्राण परी भयंकर के उस जिले में। बॉस अब मैं आपसे कुछ आसान से सवाल पूछूंगा। अगर आपने उनका जवाब सही से दिया तो ही आप स्कॉलरशिप के एग्जाम में बैठना ठीक है। हाँ पूछ पूछ मोंटू को हर सवाल का जवाब आता है। थैंक यू बॉस। तो आपका पहला सवाल। तुझे वो बुक हवा खाने के लिए नहीं दी है वो बुक में से सवाल पूछ। मैंने सिर्फ वो ही बुक पढ़ी है। ओके अकबर कौन था। अकबर फिल्म में नहीं असल में अकबर कौन था ये पूछा था। तो ऐसा बोलो ना अकबर बीरबल का दोस्त था। जाने दो बस। किसे अकबर या बीरबल को। मेरा मतलब है हमें जाने दो इसका मतलब अगला सवाल। अच्छा तो ये बताओ हमारा देश कब आजाद हुआ था। 1947। वाह बॉस अब ये बताओ 1950 में क्या हुआ था। 1950 1948 1949 1950। हाँ 1950 को अपने देश को आजाद होकर 3 साल हुए थे। अरे नहीं बॉस 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडिया रिपब्लिक हुआ था इसलिए उस दिन हर साल हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके बॉस ये बताओ 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं। 2 अक्टूबर याद आया हम 2 अक्टूबर को छुट्टी मनाते हैं। अरे नहीं बॉस 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं। आप छोड़ो मैं आपसे साइंस का कुछ आसान सवाल पूछता हूँ। अच्छा तो क्या है जो रात में दिखाई देता है लेकिन दिन में नहीं। चौकीदार। मून बॉस मून 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 भी सिम टू सिम करता है।
ठीक है ओके। क्या बॉस, आपको एक भी सवाल नहीं आता? सवाल आना जरूरी नहीं है, सवाल का जवाब आना जरूरी है। ये लो, हवा खाओ। ये बुक आपके हवा खाने के काम ही आएगी। सही तो कह रहा है बॉस, भूल जाओ आप अपने स्विट्जरलैंड जाने का सपना, क्योंकि अब तो स्कॉलरशिप के एग्जाम में पास ही नहीं हो पाओगे। वैसे भी बॉस, ये एग्जाम एग्जाम जैसे छोटे काम अब जैसे बड़े शरीर वाले को शोभा नहीं देती। बड़े शरीर? सुना नहीं बॉस? नहीं, बड़े लोगों को बॉस, बड़े लोगों को कहा मैंने, बड़े लोगों को शोभा नहीं देता। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था यार कि एग्जाम स्कॉलरशिप इतना मुश्किल काम है, इतना। मानो मेरे को स्कॉलरशिप मिलने से रोकने के लिए आप कोई और ही प्लान बनाओ। मैजिक, मेरे पास एक मैजिक है, जादुई आइडिया। क्यों ना हम एग्जाम से पहले मानो मेर के पेन में वो जादुई इंक डाल दे जो अपने आप थोड़ी देर के बाद गायब हो जाती है। जब वो एग्जाम का पेपर लिखेंगे ना तो वो इंक अपने आप उड़ जाएगी और उनका आंसर शीट पूरा खाली हो जाएगा और फिर उन्हें एग्जाम में जीरो मिलेगा, जीरो, ना कि स्कॉलरशिप। वाह बॉस, सॉरी, आपका प्लान तो हिट है, लेकिन आपका एग्जाम? अरे मेरा असली एग्जाम यही तो है कि मानो और मैं पास ना हो, अगर वो फेल हो गए तो मैं खुद ब खुद पास हो जाऊंगा। मानो महर, तुम्हें जितना रट्टा मारना है ना मार लो, लेकिन मेरी जादुइंग तुम्हें पास होने नहीं देगी। अब होगा मोंटू का बोलबाला और मानो महर का मुंह काला। क्या? हाँ, करो शुक्र के बालवीर ने डुबा डुबा एक की बात सुनकर ये समझा कि हो गई उससे ही कोई गलती वहां परिशस्त्र चलाने में, वरना समाप्त करने को आपकी जगह ढूंढता वो इस चील को। चुप! परी भयंकर, क्यों नहीं समाप्त कर देती आप बालवीर का किस्सा? अगर बालवीर को समाप्त करना इतना ही आसान होता तो कब का कर देती तोबा तोबा। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद पता नहीं कैसे वो मौत के मुंह से हर बार निकल आता है। तो फिर है ठीक, मरो खुद, लेकिन मारे बिना इस बार नहीं जाएगा बालवीर वापस, आपको तो मरना ही पड़ेगा। तौबा तो डरो नहीं तौबा तौबा, तुम्हारे बेअकल दिमाग में पहली बार कोई अकल की खिड़की खुली है। तुमने तो मुझे बालवीर से बचने का उपाय बता दिया। उपाय? कैसा उपाय? बालवीर क्या चाहता है? बालवीर चाहता है आपका अंत। बिल्कुल, तो मेरा अंत होगा है? उसके ही वार से, उसकी ही नजरों के सामने। ना? लेकिन कैसे है आपके प्राण तो इस चील में? चुप! यही तो मेरी चाल है कि बालवीर मुझ पर वार करे और मैं उसके वार से समाप्त होने का नाटक करूंगी और काला धुआं बनकर उड़ जाऊंगी। वो ये समझेगा कि मैं समाप्त हो गई और वापस परीलोक लौट जाएगा। उसके जाते ही मैं अपने प्राण फिर से खुद में समा कर अपने असली रूप में आ जाऊंगी और उसके बाद मैं निश्चिंत होकर एक ऐसी शक्ति तैयार करूंगी जो उस बालवीर को समाप्त कर सके। बालवीर, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी जीत हुई, मगर असल में जीत तो मेरी होगी। आ बालवीर, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं। क्षमा करना,
नकली युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इंसान धोखा खाने के बाद संभल कर काम करता है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इंसान धोखा खाने के बाद संभल कर काम। मेहर थोड़ा धीरे पढ़ना, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अच्छे से बाहर नहीं कर पा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इंसान अपनी अयोग्यता छुपाने के लिए दूसरों को दोष देता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इंसान अपनी अयोग्यता छुपाने के लिए दूसरों को दोष देता है जो तू कर रहा है। ए, क्या मतलब है तेरा? यार तुझे नहीं हो रहा है और तू मुझे दोष दे रहा है कि मैं जोर जोर से पढ़ रही हूँ। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये इतना आसान है? हाँ, तो फिर मुझसे बाहर क्यों नहीं हो रहा है? मानव ये तो क्या कर रहा है? अरे मुझे कुछ भी याद ही नहीं हो रहा, मेरे दिमाग में कुछ जा रहा ही नहीं है, इसलिए मैं उल्टा होकर याद करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वो सीधा मेरे दिमाग में जाए और मुझे याद रहे। मानव तू इतनी टेंशन से पढ़ेगा तो तुझे कुछ याद ही नहीं होगा, और तूने जो याद भी किया है ना वो भी तू भूल जाएगा, तो इसलिए ठंडे दिमाग से पढ़ तो तुझे सब कुछ याद आ जाएगा। और दिमाग ठंडा रखने के लिए सबसे अच्छी चीज है आइसक्रीम। अरे बादाम। अच्छा बादाम वाली आइसक्रीम? सिर्फ बादाम। बादाम से याद शक्ति बढ़ती है और तुम्हें जो भी याद करना है ना वो तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेगा। अच्छा तो मम्मी मुझे कल एग्जाम तक याद रहे तो कितने बादाम खाने पड़ेंगे? एग्जाम तक ही क्यों याद रहे? अरे मेहर एक बार एग्जाम खत्म हो गया तो उसके बाद याद रहे या ना याद रहे क्या फर्क पड़ता है? और सिर्फ बादाम से सब कुछ याद नहीं रहेगा तो किसे याद रहेगा दादी? अरे हमें याद कराने वाला, अच्छे नंबर देने वाला ऊपर वाला भगवान है। अगर वो साथ है ना तो चिंता की कोई बात ही नहीं, तुम आराम से एग्जाम दो, वही तुम्हारे ट्रेन में सब कुछ डालता है। ए? अरे दादी ट्रेन नहीं ब्रेन, ब्रेन दिमाग। हाँ वो वही सेम टू सेम। चलो अब पहले नंबर पे पास होना है ना तो चलो भगवान के पास जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। चलो अब मेरी चाल चलने का समय आ गया है। तौबा तौबा तुम यही रहो इस चीज के साथ। बालवीर परी, तुम चाहे मुझसे छुपने की जितनी भी कोशिश कर लो आज तुम्हारा निश्चित है। भयंकर परी के भयंकर दिमाग के आगे तुम अभी बच्चे हो बालवीर। तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें ढूंढा है अपने जाल में फंसाने के लिए, वरना तुम मेरे प्राण तो क्या मेरी परछाई तक को भी छू नहीं सकते। कर परी इस बार तो महापरी शस्त्र से नहीं बचोगी। भयंकर परी को डरा रहे हो बालवीर।
अरे भयंकर परी का दूसरा नाम डर है। तुम तो क्या, तुम्हारा कोई भी शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना तुम। ठीक है तो कर लो वार, मैं खड़ी हूं तुम्हारे सामने। दिखाओ अपनी शक्ति। तुम्हारी शक्तियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बालवीर, मेरी इस चाल को तुम कभी मात नहीं दे पाओगे। बस तुम्हारे सामने समाप्त होने का नाटक करूंगी। भयंकर परी के अंत में हार बुराई की होती है। देख लो आज तुम बिना सांसों के धरती पर एक पत्थर की तरह पड़ी हो, और ऐसा ही हाल हर उस बुरी शक्ति का होगा जो अच्छाई और सच्चाई से टकराएगी। और आशीर्वाद से सच्चाई और अच्छाई के प्रतीक बालवीर ने बुराई की प्रतीक भयंकर परी का अंत कर दिया है, समाप्त कर दिया है उसे हमेशा हमेशा के लिए। हो गई मेरी चाल कामयाब। मान गया ये बेवकूफ बालवीर के मेरा अंत हो गया है। बस अब इसके जाते ही मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। हे चिल, है अब मेरी बारी नाटक करने की। तुम रहना यहीं, देखना करूंगा ऐसा कमाल अभिनय, करूंगा ऐसा कमाल अभिनय। नहीं बजाई परी भयंकर ने उठ के ताली तो नाम नहीं मेरा तोबा तोबा।
अरे भैया, मैंने जो संकल्प किया था वो भयंकर परी के अंत के साथ पूरा हो चुका है। चलो डुबा डुबाई, हम परी लोग जाकर माँ और परियों को हमारे जीत की खुशखबरी देते हैं। हाँ चलो, बस थोड़ी देर में बनकर धुआं उड़ जाएगा शरीर इस भयंकर परी का। अब करेगा क्या ये अनाथ तोबा परी भयंकर के बिना जी के। अरे बेवकूफ, इतना भी नाटक मत कर के नाटक लगे। अब होगा क्या मेरा, ले लो मेरे भी प्राण परी भयंकर के साथ बालवीर। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हारा भी अंत कर देता हूँ। क्या लगता है वैसे भी अब मेरा या जूंगा मैं किसके सारे, है कौन अब मेरा। नहीं, ये तो बहुत आसान सजा होगी। तुम्हारी यही सजा है तौबा तौबा कि तुम यहाँ भयानक लोक में अकेले सड़ो। परी भयंकर उठिए, मेरी प्यारी परी भयंकर उठिए, परी भयंकर उठिए, उठिए मेरी प्यारी। चलो डुबा डुबाए, हम परी लोग जाकर बुराई के अंत का जश्न मनाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। उठिए परी भयंकर, उठिए परी भयंकर, उठिए। परी भयंकर उठिए। देखा किया क्या मैंने कमाल का अभिनय, देनी चाहिए आपको मुझे शाबाशी। अच्छा, इतने अच्छे अभिनय के लिए एक कम है ना, एक और दे देती हूँ। बेवकूफ, तुम्हारे चक्कर में पूरा खेल खराब हो जाता, क्या जरूरत है आने की। चलो। देखा है गलती मुझसे ये परी भयंकर। बच्चों, अब भगवान को हाथ जोड़कर कहो कि हमें हमारा हर जवाब याद करा दे। अरे दादी, सिर्फ जवाब ही नहीं, वरना जवाब तो हमें याद रहेगा, लेकिन ये नहीं याद रहेगा ना ये जवाब किस सवाल का है ना। हाँ। अच्छा, तो भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करो और कहो कि हमें हमारा सवाल और जवाब दोनों याद करा दे। हाँ। हे भगवान, प्लीज प्लीज कल के एग्जाम के लिए हमें फर्स्ट लाना, ताकि हमें स्कॉलरशिप मिल जाए। हाँ,
और वही सब आए जो हमने रट्टा मारा है, मतलब पढ़ाए। और बच्चों, अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल गई ना तो 101 नारियल फोड़ेंगे महेश के बापूजी अपने सर पे। ये क्या मन्नत मांग रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी कि 101 नारियल फोड़ेंगे अपने पैसों से। फिर भी एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए भगवान को क्यों परेशान कर रही हो? तो किसे परेशान करे? दादाजी को। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ना तुम्हें परेशान होना है ना किसी और को परेशान करना है। मेरे पास है ना एग्जाम में पास होने का एकदम आसान तरीका है। जो सवाल जवाब है ना उसको 100-100 बार पढ़ लो। सवाल में तो गल भी बजेगी। मतलब रट्टा मारो? नहीं 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 बेटा, मैं रट्टा मारने को नहीं कह रहा हूँ। क्या है, एक एक सवाल और जवाब को 100-100 बार पढ़ेंगे तो इनके दिमाग में वो ऐसे अटक जाएगा जैसे जैसे आप अटकते हो। स्मिता, माँ, बापूजी, ना बच्चों को बादाम खाने की जरूरत है, ना ही उन लोगों को भगवान को प्रार्थना करने की जरूरत है। और सवाल और जवाब 100-100 बार रटने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, तेरे पास और कोई तरीका है? हाँ, और वो तरीका ये है कि कल मानव महर एग्जाम देने नहीं जाएंगे। न रहेगी एग्जाम, न पढ़ने की चिंता। मार परी ये सब सुनकर बहुत खुश होगी कि हमने परी लोग और बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन का अंत कर दिया है और बुराई पर विराम लगा दिया है। तुम्हारा विक्रम सही था डुबा डुबा कि मैंने ध्यान से वार नहीं किया होगा। डुबा डुबा सब ठीक तो है ना डुबा डुबा? हाँ है, वैसे तो सब ठीक, पर सोच रहा हूँ मैं तोबा तोबा के बारे में। तुम चिंता मत करो, वो बिना भयंकर परी के कोई भी बुरा काम नहीं कर सकता। वो बिना भयंकर परी के एकदम शक्तिहीन। हाँ, और अकेला और दुखी भी। बालवीर, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? हाँ कहो डुबा डुबा। नहीं नहीं रहने दो, होगा नहीं, सही है, चलो चलते है, चलते वापिस परी लोक। डुबा डुबा एक तुम मेरे मित्र हो डुबा डुबा एक, इसलिए तुम अपने दिल की कोई भी बात मुझे बता सकते हो। बताओ। है लग रहा मुझे बुरा बहुत मेरे भाई तोबा तोबा के लिए। भयंकर परी के जाने से हो गया वो एकदम अकेला और दुखी भी कितना था। वो था ना, देखा तुमने कितना रो रहा था बेचारा, जैसे जैसे खो दिया हो उसने अपना सब कुछ। तो तुम क्या चाहते हो डुबा डुबा एक? बालवीर, अब सोच रहा था मैं ये कि ले चलते हैं तोबा तोबा को अपने साथ अपने परीलोक में और देते हैं एक मौका उसे सुधरने का और बनने का तोबा तोबा से डुबा डुबा फिर से। ये तुम क्या कह रहे हो डुबा डुबा? तुम्हें पता है ना कि वो कितना शैतान है और सिर्फ बुरे काम ही करता है। हाँ हाँ हूँ मैं जानता, लेकिन है वो मेरा भाई भी। मैं नहीं देख सकता उसे रोते तड़पते हुए अकेले, देख के उसका दुख और है दुख मुझे भी। बालवीर, हो सकता है ऐसे भी ना कि बिना भयंकर परी के आ जाए उसमें थोड़ी सी अकल और लगे चलने वो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते में फिर से। मुझे गर्व है डुबा डुबा कि तुम मेरे मित्र हो। तुम सचमुच बहुत अच्छे और दयालु हो और यही वजह थी कि तुमने परीलोक में परियों की सेवा को चुना है और उस तौबा तौबा ने भयंकर परी को। एक बात कहूँ डुबा डुबा, तुम एक बहुत बड़े वीर, क्योंकि क्षमा करने का साहस सिर्फ वीरों में ही होता है। बहुत अच्छे डुबा डुबा, बहुत अच्छे। चलो हम तौबा तौबा को अपने साथ परीलोक ले चलते हैं।
शुक्रिया बालवीर। खुश रहो बालवीर, खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबाई, खुश रहो। चल। क्या कह रहा है तू? बच्चे एग्जाम नहीं देंगे? नहीं माँ, कल बच्चे स्कॉलरशिप के एग्जाम देने नहीं जाएंगे। बच्चे एग्जाम क्यों नहीं देंगे? बेटा तेरा ही तो सपना था ना कि मानव और महर अच्छी स्कूल में पढ़े। इतनी मुश्किल से तू उनकी स्कूल की फीस भर पाता है, उसके बावजूद तूने कभी ये नहीं सोचा कि उनकी स्कूल बदल लूं। बच्चों की फीस भरने के लिए आपने अपना स्कूटर रहने का सपना तक छोड़ दिया। एक एक पैसा हम लोग जुटाते ताकि इनकी फीस भर पाए, और आप भी चाहते हैं ना कि ये लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करें। फिर आप क्यों कह रहे कि ये लोग स्कॉलरशिप के एग्जाम नहीं देंगे? अरे इनसे कुछ करने का मौका क्यों छीन रहे हैं आप? महेश, शायद तू अपना सपना भूल गया होगा, लेकिन ये बच्चे बच्चे तेरा सपना नहीं भूले। ये स्कॉलरशिप की एग्जाम देके तेरे कंधे से बोझ कम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तू अपने लिए स्कूटर ले, और तू उन्हें रोक रहा है कि क्या हो गया है तुझे? महेश, तूने हमेशा अच्छे पिता होने का फर्ज निभाया है। आज जब बच्चे अच्छा फर्ज निभा रहे तो बुराई क्या है? बुराई है माँ, बुराई इनके तरीके में। जिस तरीके से ये मुझे मदद करना चाहते हैं वो गलत है। इनकी फीस भरने के लिए मुझे ज्यादा काम करना पड़ा, मैं करूंगा, मैं ओवर टाइम ही करूंगा, लेकिन ऐसी गलत तरीके से की गई मदद मुझे नहीं चाहिए। बेटा इसमें गलत क्या है? ये पढ़कर स्कॉलरशिप की एग्जाम ही दे रहे हैं ना? हाँ। पढ़कर नहीं बापूजी, रट्टा मार के एग्जाम दे रहे हैं मेरे बच्चे। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या अब एग्जाम का ये मतलब रह गया है कि बच्चे रट्टा मार के पढ़ें और एग्जाम हॉल में जाके जो सवाल आया उसके जवाब लिख लें, फिर उस सवाल के जवाब का अर्थ उन्हें पता हो या ना पता हो? क्या एग्जाम का ये मतलब रह गया बापूजी कि कौन कितने ज्यादा मार्क्स लाता है? अब ज्ञान को मार्क्स के तराजू में तोला जाएगा बापूजी? जिसके जितने ज्यादा मार्क्स उतना वो बुद्धिमान और पढ़ा लिखा। अगर यही मापदंड है तो बापूजी मुझे मेरे बच्चों को ऐसी एग्जाम नहीं दिलवानी कि वो रट्टा मार के जाए, सवालों के जवाब लिख लें, लेकिन उनको पता ना हो कि उन जवाबों का अर्थ क्या है। पर बेटा आजकल तो सभी जगह यही चल रहा है। और वैसे भी सब लोग यही देखते हैं कि मार्क्स कितने मिले, कोई ये नहीं पूछता है कि मार्क्स कैसे मिले हैं। यही तो समस्या है स्मिता, ना ही शिक्षक ना ही बच्चे कोई भी ये नहीं सोचता कि अच्छे से अच्छा ज्ञान कैसे मिले, बस ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे मिले, इस दौड़ में आंखों पर पट्टी लगा के सब दौड़ रहे। बेटा तू जो कह रहा है वो सही है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? बापूजी हम ही हैं जो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा बापूजी। हम ही बच्चों को मार्क्स की रेस में दौड़ाते हैं, उन्हें कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला। बेचारे बच्चे कुछ भी करके मार्क्स लाते भी हैं, 80%, 90%, 95%, लेकिन हमारी भूख कभी कम नहीं होती। फिर भी हम कहते रहते हैं बच्चे बादाम खाओ। कोई बच्चों को कहे कि भगवान से प्रार्थना करो, या कोई सलाह दे कि एक ही सवाल 100-100 बार रटो। बापूजी हमें बच्चों को यह सलाह देनी चाहिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। बच्चों इसलिए बेटा खूब मेहनत करो, पर रट्टा मारने की नहीं, सवालों के जवाब समझने के लिए।
इससे ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कम सवालों के जवाब याद रहेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़े कम मार्क्स आए, लेकिन बेटा तुम्हें ज्ञान बहुत ज्यादा मिलेगा। हाँ, ये मेरा वादा है। हम आपकी बात समझ गए पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इतने कम समय में हम कैसे पढ़ पाएंगे पापा? मैं हूं ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और मैं अच्छे से समझा कर पढ़ाऊंगा, और देखना एक बार सवाल का जवाब तुम्हारी समझ में आ गया ना, फिर वो तुम कभी नहीं भूलोगे। हाँ पापा, अब हम समझ के पढ़ेंगे और रट्टू तोता नहीं बनेंगे। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों। महेश बेटा, शाबाश शाबाश। लगता है भयंकर परी पूरी तरह धुआं बनकर उड़ गई। हाँ, लेकिन उड़ गया कहाँ है तोबा तोबा? अरे यही कहीं होगा, ढूंढते हैं। मिल गया। कहाँ है? यहाँ, ये देखो यहाँ जमीन पर है ये निशान मेरे जुड़वा भाई तोबा तोबा के पांव के, गया होगा वो जरूर इसी दिशा में। चलो है ढूंढते उसे। रुक जाओ डूबा डूबा एक, हुआ क्या बालवीर? तोबा तोबा यहाँ से अकेला चलकर नहीं गया। ये क्या कहना चाहते तुम? यही कि तोबा तोबा के साथ साथ यहाँ से भयंकर परी भी चलकर गई है। ये देखो तोबा तोबा के पैरों के निशान के साथ साथ यहाँ किसी और के भी पैरों के निशान है, और यहाँ भयंकर परी के अलावा दूसरा कौन हो सकता है? इसीलिए भयंकर परी अभी भी जीवित है और वो यहाँ से तौबा तौबा के साथ चल कर गई है। हाँ? लेकिन हो सकता है ऐसा कैसे? भयंकर परी ने सही कहा था, उसका अंत करना आसान नहीं है। लेकिन बालवीर, किया था तुमने वार उस पे और हुआ था अंत हमारी आंखों के सामने उसका। मैंने उसका अंत नहीं किया था डूबा डूबा, उससे खुद अपने आप को समाप्त करने का नाटक किया था ताकि हमें लगे कि वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई और हम उसका अंत किए बिना यहाँ से चले जाएं। बहुत अच्छी चाल चली तुमने भयंकर परी, लेकिन तुम्हारे नाटक से पर्दा उठ ही गया। लेकिन लेकिन हो क्यों नहीं रहा भयंकर परी का अंत महापरी शस्त्र के वार से भी? उसी का तो पता लगाना है कि कैसे बच रही है वो मेरे हर वार से, कौन कर रहा है उसकी सुरक्षा, ऐसी कौन सी शक्ति है भयंकर परी के पास जिससे हम उसके प्राण नहीं ले पा रहे हैं? कहीं सचमुच में ऐसा तो नहीं कि भयंकर परी के शरीर में उसके प्राण है ही नहीं? चलो डूबा डूबा, हमें तक चिन्हों की दिशा में जाकर भयंकर परी के सच का पता लगाते हैं। कहा था सही तुमने, नहीं बदल सकता ये मेरा जुड़वा भाई तोबा तोबा कभी। बस मिल जाए इस बार, मैं भी अंत करूंगा उसका। बस चाहिए मुझे उसके लिए तुम्हारे जैसा एक छोटा सा महापरी शस्त्र। शांत डूबा डूबा एक शांत, भयंकर परी का अंत करना हमारा अहम लक्ष्य है, इसलिए हमें उससे भटकना नहीं चाहिए। है ये भी सही, चलो रुको डूबा डूबा, हम साथ में नहीं जाएंगे बल्कि हम अलग अलग दिशा में जाएंगे, क्योंकि कुछ कदम के बाद भयंकर परी के पैरों के चिन्ह खत्म हो रहे हैं, इसलिए अलग अलग दिशा में जाओ। तुम उस दिशा में जाओ, मैं इस दिशा में जाता हूँ। है ठीक, चलो
कब तक भागेंगे रोहित? भागते भागते स्कूल के बाहर आ गए। अगर मोंटू बॉस ने कागज देख लिया वो तो हमें बाहर डालेंगे। लगता है मोंटू बॉस ने सस्ती वाली इंक ली है, इसलिए इंक मिटी नहीं रही है। हाँ यार, ये नहीं मिटेगा तो मोंटू बॉस हमें मिटा देंगे। चल इस कागज को फाड़ के फेंक देते। हाँ यार चल चल। मोंटू गधा है। हाँ? हाँ? मोंटू उल्लू है। हाँ? मोंटू बेवकूफ। मोंटू गेंडा है। मोंटू हाथी है। हाथी? हाथी हूं ना मैं। अभी तुम्हें बताता हूँ, हाथी जब पागल होता है ना तो हाथी क्या करता है। सॉरी, हम तो बस आपकी लाइव इंक चेक कर रहे थे। और हमें लगता है कि दुकानदार ने आपको नकली इंक देकर कौवा बनाया है। ए, उसे कौवा बनाना नहीं, उल्लू बनाना कहते हैं। बस अब एक उल्लू को कैसे कोई उल्लू बना सकता है? मेरा मतलब है बस, देखो ना उसने आपको उल्लू बनाया। देखो ना बस, इस कागज से इंक मिटी नहीं रही है। हाँ बस, हमने जो भी लिखा था कि मोंटू उल्लू है, हाथी है, मतलब वो सब अभी तक पेपर पे ही है। ऐसे तुम मानो मेरे स्कॉलरशिप एग्जाम में पास हो जाएंगे। सबसे बड़े उल्लू तो तुम दोनों। ये लिखा हुआ इसलिए नहीं मिटा क्योंकि ये तुम्हारी मैजिकल इंक जैसा नहीं है जो दो मिनट में मिट जाए। ये महंगी इंक है, बढ़िया इंक है, इसे मिटने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, पर इससे होगा क्या? अरे बेवकूफो, अगर मैं तुम दोनों की इंक यूज करूंगा ना तो मानो महल को पता चल जाएगा कि उन्होंने जो लिखा है ना वो गायब हो गया। और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि उनका जो पेन है उसके अंदर जो इंक है ना वो इंक में कुछ गड़बड़ है, वो पेन चेंज कर देंगे। और अगर मैं मेरी इंक यूज करूंगा ना तो उनका पेपर खत्म होने तक उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी इंक उड़ गई है, समझे? वाह बॉस वाह, अब तो हाथी हो हाथी। क्या? मेरा मतलब है कि उसका दिमाग भी आपके शरीर जितना बड़ा है। मतलब आपका दिमाग भी हाथी के शरीर जितना बड़ा है। बड़ा झटका तो मानो मेहर को लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि वो स्कॉलरशिप एग्जाम में फेल हो गए। मानो मेहर, मैं तुम्हें स्कॉलरशिप कभी मिलने नहीं दूंगा। अब होगा मोंटू का बोलबाला और मानो मेहर का मुंह काला। मोंटू का होगा बोलबाला, मानो मेहर का मुंह काला। मोंटू का होगा बोलबाला, मानो मेहर का मुंह काला। भयंकर परी ने इस बार बहुत बड़ी चाल चली है। उसने बहुत चालाकी से ऐसा कुछ किया है जिससे मैं उसका अंत नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने महापरी शस्त्र से भयंकर परी पे दो बार वार किया, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। मगर क्यों, कैसे बच रही है वो? भयंकर परी की परछाई, इसका मतलब भयंकर परी भी यहीं कहीं है। कहां गई है भयंकर परी? भयंकर परी, मैं जानता हूं कि तुम यहीं गई हो। मैंने अभी अभी तुम्हारी परछाई देखी है, तुम ज्यादा देर तक मुझसे छुप नहीं सकती। तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम खुद मेरे सामने आ जाओ। सुना तुमने भयंकर परी? बालवीर, 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 ये देखा मैंने भयंकर परी को तोबा तोबा के साथ महल के पास। चलो चलो मेरे साथ चलो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी अभी भयंकर परी की परछाई को यहाँ देखा है। क्या? हाँ, भयंकर परी यही कहीं छुपी हुई है। नहीं नहीं बालवीर, हे देखा मैंने खुद अपनी आंखों से, है भयंकर परी तोबा तोबा के साथ महल के पास। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई डुबा डुबाइक, एक ही समय में भयंकर परी दो जगह कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, वो सब नहीं जानता मैं, लेकिन है ये सच, है देखा मैंने भयंकर परी को तोबा तोबा के साथ महल के पास। डुबा डुबाइक, मानो मेरी बात बालवीर। ठीक है डुबा डुबाइक,
अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने भयंकर परी को वहाँ देखा है तो हम चलते हैं। हाँ, चलो चलो। मैं कल पापा ने मुझे ऐसा समझाया कि मैथ्स मुझे बहुत आसान लग रहे हैं। तू देखना आज मैं सब लिख कर आऊंगा और सबसे पहले पेपर मेरा ही खत्म होगा। नहीं क्यों? नहीं क्यों? क्योंकि सबसे पहले पेपर तो मेरा ही खत्म होगा। मानव इस साल हमें स्कॉलरशिप मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ चल अभी एग्जाम शुरू होने वाली है, उससे पहले हम भगवान के सामने माथा टेक के आते हैं। पापा ने क्या कहा है? अरे हमें अच्छे मार्क्स मिले इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि भगवान ने हमें इतने अच्छे मम्मी पापा दिए इसलिए थैंक यू बोले। हाँ चल चल। हाँ चल चल। लगता है तू भूल गई मुझे मेहर, क्योंकि मैं तुझे ये स्कॉलरशिप मिलने नहीं दूंगा। और मानो ऐसा करने से मुझे भगवान भी नहीं रोक सकते। चलो रे जल्दी पेन निकालो, पेन निकालो। अरे तुम दोनों का नहीं, मानो मेरे का पेन निकालो उनके बैग से। अरे वाह खोलो खोलो जल्दी खोलो। अरे मेरा शर्ट नहीं। क्या खोले? आपके जूते? अच्छा है जूते खोलेंगे तो भागने में आसानी होगी। चुप, जूते तो तुम्हें पड़ेंगे। जल्दी से मानो मेरे की पेन खोलो और उसमें इंक डालो। हो गया हो गया। ठीक है जल्दी जल्दी बैग में पैक करो, पैक करो। मानो मेहर अब तुम स्कॉलरशिप का पेपर लिखोगे जरूर, लेकिन वो लिखा हुआ ना अपने आप उड़ जाएगा। इस बार मैंने तुम्हारे किए कराए पर पानी नहीं इंक फेर दिए। मंडूगा होगा बोल बाला मानो महल का। धीरे धीरे आराम से। मंडूगा होगा बोल बाल मानो महल का ऊकल। तुम भी कमाकल, जब से समाए है परी भयंकर के प्राण तुम में। बकवास बंद करो तौबा तौबा वरना तुम्हें भी चील बना दूंगी। चिल्लाइए मत। मतलब है चिल्लाना तो चिल्लाइए इस पे जो घूम रही है भयानक लोग में बिना डरे। डरेगी कैसे, आखिर है तो मेरी ही परचाई ना। तो होगा इसका भी हाल आपके ही जैसा अगर देख लिया बालवीर ने इसे भी। चुप। बालवीर इसे कैसे देखेगा? वो तो परीलोक में मेरे मरने का जश्न मना रहा होगा। देखा है ना यही भयंकर परी। हाँ लेकिन फिर मैंने वहां किसको देखा था? अब मैं एक एक करके अपनी सारी शक्तियां फिर से हासिल करूंगी और परीलोक पर अचानक से हमला बोलूंगी और एक बार फिर मैं परीलोक की रानी बनूंगी। Thank you.
झील है वहाँ भयंकर परी की परछाई है। लेकिन जहाँ भयंकर परी खड़ी है वहाँ कोई परछाई नहीं है। लेकिन उसके बाजू में खड़े तौबा तौबा की परछाई है। ऐसा कैसे हो सकता है? डुबाई मुझे समझ आ गया है कि भयंकर परी का अंत क्यों नहीं हो रहा था। क्यों बालवीर? क्योंकि भयंकर परी के प्राण उसके शरीर में नहीं है बल्कि उस चील में, और इसीलिए हमारे वार करने के बावजूद भयंकर परी पे कोई असर नहीं हो रहा है। है क्या तुम्हें इसका पूरा यकीन बालवीर? हाँ डुबाई, क्योंकि वो देखो जहाँ चील है वहां भयंकर परी की परछाई। लेकिन जहां भयंकर परी है वहां उसकी परछाई नहीं है। तो अब क्या करोगे बालवीर? अब मैं वार करूंगा लेकिन भयंकर परी पे नहीं, उस चील पे। तुम्हारा खेल खत्म भयंकर परी। बच्चों पेपर लिखना शुरू करो, सोच समझ के अच्छे से आंसर्स लिखना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लिखो अच्छे से सारे आंसर्स लिखो मानो मैं, पर मैंने जो मैजिक इंक तुम्हारे पेन में डाली है ना उससे तुम्हारे लिखे हुए सारे आंसर्स टीचर को पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि वो तो तब तक मैजिक इंक की तरह गायब हो चुके होंगे। तौबा तौबा, मेरा प्रधान बनने के बाद तुम ठीक से काम करना वरना तुम्हें कैद में डाल दूंगी। उसके बाद आधी जिंदगी कैद में ही रहोगे। तुम रहूंगा आधी जिंदगी ना कैद में, बाकी की आधी जिंदगी झीलूंगा कैद से बाहर आकर फिर से प्रधान बनके। बेवकूफ, आधी जिंदगी तो प्रधान बनने की इच्छा में गुजार दी तुमने, मैं बाकी आधी जिंदगी की बात कर रही। हूँ
वापस कैसे आ गए? तुम तो परी लोग चले गए थे। मैंने प्रण लिया था भयंकर परी कि मैं तुम्हारा अंत किए बिना परी लोग वापस नहीं जाऊंगा। मैं परी लोग वापस कैसे चला जाता? हाँ था पता ही मुझे, आप बालवीर पकड़ ही लेगा आपका बेकार अभिनय। कितनी बार कहा है आपसे सीख लो, मुझसे कुछ सीख लो। और तुम बालवीर, मुझे बड़े दुख के साथ तुम्हारे लिए ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद तुम अपना प्रण पूरा नहीं कर पाओगे। तुम मेरा जादुई दंड तो छीन सकते हो, मगर मेरे प्राण नहीं। नहीं भयंकर परी, दुख तो तुम्हें होगा ये जानकर कि अब मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। तुम मेरा अंत नहीं कर सकते बालवीर, मैं अमर हूं। अमर मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। हाँ। तुम्हारी ये गलत फहमी भी अभी दूर हो जाएगी। बालवीर को मेरे राज के बारे में पता चल गया। चल, चल, फुर, अरे फुर। उड़ गई। बालवीर तो अभी इसी वक्त इस चील को मार देगा और उसके साथ साथ मेरा भी अंत हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे बालवीर को चील पर निशाना लगाने से रोकना होगा। लिखो जितना लिखना है मानो मैं, लेकिन जितनी मेहनत से तुम आंसर लिख रहे हो ना, उतनी ही आसानी से तुम्हारे पेन के अंदर भरी हुई मैजिकल इंक के वजह से सब आंसर्स भी गायब हो जाएंगे। हाँ।
गया। पंडव, कितने बार कहा क्लास में शरारत मत करो, जाओ बाहर जाके मुर्गा बन जाओ। क्या सर, आपके सपने में भी मैं शरारत करता हूँ? Shut up! सर, एक्चुअली मैंने आवाज लगाई थी, मेरा पेपर फिनिश हो गया है। ओह हाँ सर, मेरा भी पेपर हो गया है। अरे सेम टू सेम। शाबाश, तुम दोनों क्लास में सबसे होशियार हो। लेकिन बेटा अभी पेपर खत्म होने में टाइम है, तुम दोनों एक बार फिर से अपने सारे आंसर्स चेक कर लो। ठीक है सर। हारे हुए खेल को जीत में बदलना मुझे अच्छी तरह से आता है बाली। हाँ। वो देखो, वो जा रही है तुम्हारी हार। रोक सकते हो तो रोक लो। हाँ। रुक क्यों गए बालवीर? लगाओ निशाना बालवीर। हाँ, लगाओ निशाना बालवीर, लगाओ। बालवीर होना तुम ठीक? कहीं होना चाहिए तुम्हें कुछ है, चलते यहाँ से। नहीं डुबा डुबा, मेरे पास यही एक आखिरी मौका है भयंकर परी को समाप्त करने का। अगर एक बार ये चील यहाँ से उड़कर चली गई तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। मुझे जलन भूलकर अपने लक्ष्य पे ही ध्यान देना होगा। ध्यान तो तुम दे दोगे, पर देखोगे कैसे। मुझे चील पे वार करने के लिए अपने कानों का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान से सुनता हूँ चील की परों की आवाज। भयंकर, ले कैसे रहा ये बालवीर चील का निशाना चील को बिना देखे? हे लगता मुझे हे देख रहा ये चील को अपनी मन की आंखों से। नहीं, ये अपने कानों का इस्तेमाल कर रहा है चील पर निशाना लगाने के लिए। अपने कानों से चील के परों की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हो बालवीर। अब तुम देखो
मैं चारों ओर इतना शोर भर दूंगी, इतना शोर भर दूंगी कि तुम्हें उस शोर के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देगा। कभी नहीं जीत सकती बालवीर, क्योंकि अच्छाई हमेशा एक कदम पीछे ही रहती है। सर, हो गया चेक? क्या चेक करूं सर, मैंने जो सेंसर शीट में लिखा था वो सब तो गायब है, मेरे में भी। अरे वाह, यहाँ भी सेम टू सेम। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है सर, आप खुद देख लीजिए। माना महर, तुमने सही में कुछ लिखा भी था? लिखा था सर, लेकिन पता नहीं कैसे मिट गया। सर, मिट गया होगा, देखिए ना, मेरा भी पेपर मिट गया, बहुत लिखा था मैंने, वो सब मिट गया सर। घंटा चुप, मुझे अच्छे से पता है तुमने एक शब्द भी नहीं लिखा होगा। वाह सर वाह, उनका लिखा हुआ गायब हो सकता है लेकिन मेरा लिखा हुआ गायब नहीं हो सकता। शट अप एंड सिट डाउन। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मेहर मानव, तुम लोग कब से झूठ बोलने लग गए? तुम्हें कुछ नहीं आता था इसलिए तुमने पेपर में नहीं लिखा। नहीं सर, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, हमें सब कुछ आता है। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है कंगारू, आसाम का कैपिटल है गुवाहाटी, पूरे दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है। हाँ सर, हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा ठंड अंटार्कटिका में पड़ती है, जीरोपंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, 19×9=171 होता है। देखा सर, हमें सब आता है। सब कुछ आता है तुम्हें तो फिर लिखा क्यों नहीं? सर लाइए, अभी भी टाइम है, हम लोग वापस लिख लेते हैं। लो मानो जल्दी। सब बच्चे लिखना बंद करो। अरे पर सर, अभी हमने लिखना चालू किया था। क्यों बेटा, मैं और टाइम नहीं दे सकता हूँ। सर प्लीज, नहीं सर, सर प्लीज, हमें सिर्फ आधा घंटा दे दो। नो मानव, मैं तुम्हें और टाइम नहीं दे सकता हूँ, रूल सबके लिए सेम है। अरे वाह सर, यहाँ भी सेम टू सेम। शट अप। सॉरी बेटा सॉरी। क्या हुआ बाल्वी? करो चील पर वार, ले लो मेरे प्राण, लगाओ ना। क्या हुआ,
चील की आवाज सुनाई नहीं दे रही। ओह, शायद घंटियों की आवाज बहुत तेज हो गई है। नहीं, बालवीर तुम मत दो ध्यान भयंकर परी के बातों पे और करो कोशिश चील के परों की आवाज सुनने की, क्योंकि होती है जीत उसी की जो करता है हिम्मत बाधाओं को पार करने की। तुम सही कह रहे हो डुबड़ू भाई, मुझे अपना सारा ध्यान सिर्फ चील के परों की आवाज पे ही केंद्रित करना चाहिए। हाँ, इस समय मेरे कानों को सिर्फ वही और वही सुनाई देनी चाहिए। मैंने कहा था ना भयंकर परी कि अंत में अच्छाई बुराई को मां जरूर देखती।